आज मेरे बेटे अजान का जन्मदिन है, उसे स्कूल से लेने आया हूँ। कौन सा क्लास बताया था? वन? अजान? क्या तुझे पागल क्या? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो अपने बच्चे को लेने आया हूँ। छुट्टी का टाइम हो गया ना? अरे यार, 6 साल से स्कूल बंद है, तू पागल है क्या? चल यहाँ से निकल। अरे नहीं, उसने मुझे बोला था। पापा, मेरा बेटा। बाप के लिए दुनिया में सबसे तकलीफ दे चीज अपने बच्चों से हमेशा के लिए बिछड़ना है। जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसा बन के दिखा। अरे यार आ गया तू। हाँ भाई, कैसे हो? अरे वाह यार, तूने तो शहर में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना लिया। हाँ यार, तभी तो मैं तुझे कहता था गांव को छोड़ के शहर में आओ। हाँ यार, गांव में तो तेरी वाह वाह हो रही है। पता है सबसे अच्छी बात, तू चाचा और चाची को भी ले आया यहाँ। हाँ सही यार। अच्छा वो छोड़, तुम बताओ तुम क्या पियोगे? मैं बस पानी। अरे एक पानी ले आ। चाचू? अरे यार फिर से नुकसान कर दिया। पापा एक काम भी सही से नहीं कर सकते आप? इस उम्र में दिखाई नहीं देता। तो इसमें मेरी क्या गलती है? भाई आप अपने बाबा से काम करा रहे हो? हाँ यार, यहाँ सबको काम करना पड़ता है, वैसे भी यहाँ नौकर बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा तू जा आराम कर, कल तेरे काम का पहला दिन। मुझे काम नहीं करना है, मैं वापस जा रहा हूँ गाँव। अरे फिर गाँव से क्यों आया? शहर में लोग कमाने आते हैं ताकि उनके माँ बाप सुकून से जिंदगी गुजार सके, और जबकि माँ बाप से ही काम कराना है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा। दुनिया में ऐसी कोई दौलत नहीं जो माँ जैसी जन्नत और बाप का साया खरीद सके। नहीं बाबा, मैं इस महीने भी नहीं आ सकता, आपको पता है ना मेरी खुद की भी फैमिली है। बेटा 2-3 महीने हो गए, तुमने पैसे नहीं भेजे। अरे बाबा 5 महीने पहले ही तो पैसे भेजे थे। लेकिन तुम आते क्यों नहीं? मैं नहीं कर पाऊंगा बाबा, आप भी समझो ना। अच्छा बाबा, हम बाद में बात करेंगे। बेटा हेलो। हाँ बेटा, क्या चाहिए आपको? मुझे दुआ चाहिए। दुआ खरीदी नहीं जाती बेटा। मेरे पास पैसे हैं, मुझे दुआ ही चाहिए। अच्छा आपको दुआ क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे बाबा की तबीयत खराब है और डॉक्टर अंकल ने बोला कि उनको सिर्फ दुआ ही बचा सकती है, और ये पैसे मैंने इसलिए ही जोड़ के रखे थे। तो अगर बाबा को जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको ऐसे ही हेल्प करूँगा। सारे रिश्तों को निभा के देखा, माँ बाप जैसा कोई ना दिखा। बाबा, बेटा वो क्या है? बाबा वो कौवा है। और बेटा वो क्या है? बाबा कौवा है वो। अरे बेटा वो क्या है? अरे बाबा क्या एक ही बात की रट लगा रखी है? कौवा है ना, दिख नहीं रहा आपको? कुछ काम करो। पापा वो क्या है? वो चिड़िया है। चिड़िया? पापा वो क्या है? वो भी चिड़िया है। बाबा बचपन में तो कभी तुम्हारी बात से नहीं उकताया, मैंने 3 दफा तुमसे पूछा, तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी जबान की तेजी उस बाप पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। बापू तेरे करके मैं पैरा पे खलो गया, तू साइकिला ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा। बेटा टेबल पे मैंने दही चीनी रख दिया है, इंटरव्यू जाने से पहले खा लेना। जहांगीर जी साहब, आपका इस कंपनी में आज आखिरी दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? साहब क्या बताऊं, 25 साल गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला, और आज मेरे बेटे का इंटरव्यू भी है। अरे हाँ, इंटरव्यू से याद आया, आज बाइक राइडर्स की इंटरव्यू भी है, तुम जल्दी से 2 कप ऑफ टी ले आओ। बढ़िया, शुक्रिया बाबा। बेटा जहांगीर चाचा, आपने अपने 25 साल जोन डिलीवरी सर्विसेज में काम किया, हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम आपके बेटे को एक जॉब दें। शुक्रिया साहब। जोन डिलीवरी सर्विसेज, जो रखे आपका और आपके अपनों का ख्याल, एक बेहतर मुस्तकबिल। A for apple, B for बड़ा apple। अरे निकम्मे तू तो पढ़ ले, बड़ा वाला तो सारे दिन आवारा गर्दी करता रहता बल्ला उठा के। बाबा आप कहते थे ना मैं निकम्मा हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं। बाबा आप प्राउड फील करोगे, मैं डिफरेंट लीग्स में सेलेक्ट हो गया, कारवान स्ट्राइकर यूई की वजह से। और तो और, आपने उनके फेसबुक पेज पे जाना है कारवान स्ट्राइकर्स यूई, और वहाँ पे 3 अपने दोस्तों को टैग करना है, और आप जीतेंगे 500 का वाउचर। हाँ मैं तो चला खेलने। तुम्हारी फेसबुक आईडी है? नहीं। तुम ऐसा करो अपनी भी आईडी बनाओ, मेरी भी आईडी बनाओ, क्या पता इनाम हम जीत जाएं। कारवान स्ट्राइकर्स यूएई, स्पोर्ट्स लवर के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म।